हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कारवाई 360 में। हम लेके आए हैं Hyundai Creta का बेस वेरिएंट। अब जो बेस वेरिएंट है वो है ई वेरिएंट, एंड दिस इज द न्यू ई वेरिएंट ऑफ Hyundai Creta। अब ई वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स आते हैं वो तमाम फीचर्स आपके साथ में आज शेयर करेंगे। बखूबी देखेंगे कि ये गाड़ी एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी है भी कि नहीं, बेस वेरिएंट में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। चले स्टार्ट करते हैं जस्ट इन केस Hyundai चैनल, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आप यहाँ मिस आउट करेंगे। आइए मेरे साथ। फर्स्ट कम फर्स्ट, सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट व्यू की तरफ। और यहां अगर आप देखोगे ये पैरामेट्रिक ग्रिल, जो नई Hyundai डिजाइन ग्रिल है, वो काफी अच्छी लग रही है। हालांकि ये क्योंकि बेस वेरिएंट है तो यहां पर जो है वो पियानो फिनिशिंग नहीं है, जो लेकिन जो टेक्सचर है वो थोड़ा मैटिश टेक्सचर है, जो इसको एक एलिगेंट लुक दे रहा है, एग्रेसिव अपील दे रहा है। एंड क्योंकि ये ग्रिल कंप्लीटली ब्लैक टोन में दी गई है ऊपर से नीचे, तो वो एग्रेशन जो है वो बरकरार है। Hyundai का बड़ा सा लोगो बिल्कुल बीच में, एंड LED DRL जो है वो कनेक्टिंग होती है इसके ऊपर वाले वेरिएंट में, वो यहाँ पर कनेक्टिंग नहीं है। उसकी जगह एक डी क्रोम पार्ट जो है वो लगाया गया है, जो एक्चुअली अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि ऑड लगे कहीं से। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये DRL सेक्शन है, और आप अगर इन DRL को ऑन करना चाहते हो तो मैं अभी ऑन करके भी दिखाता हूँ। और इसके अलावा तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये लिट होती हैं। और यहाँ पर ये जो DRL है वो हाफ एच शेप की जो DRL है, टर्न इंडिकेटर इधर आपको जो है वो दिया गया है, ये हैलोजन पार्ट पर ही है। एंड दिस इज द न्यू डुअल बैरल सेटअप, जिसमें एक प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप, एंड नीचे वाली जो है वो हाई बीम के लिए दी गई है। आपके पास में क्रोम की फिनिश है, एंड ये लो बीम हाई बीम दोनों यहीं पर है। बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला पार्ट भी, एंड ये कुछ कुछ एक्स्ट्रा जैसा ही यहाँ पर देखने को नजर आएगा। नीचे वाले पार्ट पे एक फॉग लैम्प यूनिट मिस है, और वो चाहे बेस खरीदो या टॉप ऑफ द लाइन खरीदो आपको दोस्तों नहीं मिलने वाली है यहाँ पे, तो आप फॉग लैम्प यूनिट को तो भूल ही जाइए फिलहाल Creta से। एंड यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एयर वेंट आपको स्ट्रेट अवे हीट वेंटिलेशन में, या मैं कहूँ कि हीट कन्वेक्शन में ज़रा मदद करने वाले हैं। तो दीज आर द एयर वेंट्स यहाँ पे, जो टायर को अननेसेसरी वियर, तो टायर को थोड़ा ठंडा रखने में मदद करेंगे, एंड ऑब्वियसली एयरडायनामिक बिहेव करेंगे। ये आता है इसका लोअर पार्ट, और यहाँ पर जो है वो सेटिन फिनिश है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एंगुलर मार्क भी दिया गया है, ये एक्चुअली हुक के लिए है, तो आप हल्का सा इसको अंदर प्रेस करेंगे तो आप टोइंग हुक यहाँ से जो है वो ईजिली एक्सेस कर पाएंगे। नीचे वाले पोर्शन में बहुत सारे होल्स हैं जो हीट कन्वेक्शन में डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाले हैं। एंड साथ ही इसके जस्ट पीछे कंडेंसर यूनिट लगी हुई है, जो एक्चुअली HVAC यूनिट में काफ़ी हेल्प करता है, तो वो कंडेंसर यूनिट जस्ट के पीछे जो है वो दिख पा रहा है, तो विजिबल है ठंडा रखने के लिए। स्ट्रेट अवे ग्रिल के पीछे जो है वो उसको मार्क किया गया है। ऊपर अगर आप देखें तो बहुत सारे कैरेक्टर लाइंस है, और ये कैरेक्टर लाइंस जो है वो बताती हैं कि अब Hyundai Creta जो है वो ज़्यादा जवान हो गए हैं, एंड इसीलिए कर्व्स एंड ग्रूव्स जो है वो मैच्योरिटी के साथ में यहाँ पे बोनेट के ऊपर जो है वो विजिबल है। अभी इट्स हाई टाइम कि हम लोग चले इसकी साइड प्रोफाइल में, एंड चेक करें वहाँ पर क्या क्या है। दोस्तों साइड प्रोफाइल से आप दो तीन पैरामीटर से जज कर सकते हैं कि ये एक्चुअली इसका बेस वेरिएंट है। द फर्स्ट थिंग, ये जो अलॉय व्हील्स है, ये अलॉय व्हील्स नहीं है एक्चुअली स्टील व्हील्स है, लेकिन स्टील व्हील्स के थ्रू आप जान पाएंगे कि ये इसका छोटा वेरिएंट है या कहें कि इसका बेस वेरिएंट है। इसके साथ में आती हैं ये व्हील कवर्स जो सिल्वर कलर के टोन में है, लेकिन टायर प्रोफाइल जो है 205/65 रेडियल 16 इंचेस के साथ में है। मैकफर्सन स्ट्रट्स, जो दूसरा एलिमेंट है दैट इज द फेंडर पे माउंटेड ये टर्न इंडिकेटर, ये फेंडर पे माउंट किया गया है ताकि कॉस्ट कटिंग थोड़ी सी की जा सके, एंड ORVM से इसको डिस्प्लेस करके यहाँ पर प्लेस किया जा सके। मैकफर्सन स्ट्रट्स, फेंडर लाइनिंग प्रॉपर दी गई है, यहाँ पर जो है वो प्लास्टिक की क्लैडिंग है, एंड वो तमाम चीज़ें आपको जो है वो साइड प्रोफाइल में मिलती है, जैसे कि ए पिलर ब्लैकआउट किया गया है, बी पिलर ब्लैकआउट किया गया है, एंड वो पुराने वाली Creta स्किक से ये वाला जो पार्ट है वो इस बार हटाया नहीं गया है, और उसको जो है वो जू का तू यहाँ पर बेस वेरिएंट में भी दिखाया गया है। बॉडी कलर आपको जो है वो हैंडल बार इसके बेस वेरिएंट से मिलते हैं, बट आपको कोई भी पैसिव कीलेस एंट्री नहीं मिलती है, तो आपको कीलेस एंट्री नॉर्मल जो है वो यहाँ पर मिलने वाली है। बेस वेरिएंट में कैसी इसकी की फॉब है उसके बारे में ज़रा बात करते हैं। तो यू गेट द सेम की फॉब जो एक्चुअली पहले भी आया करती थी, लॉक अनलॉक एंड होल्ड, यानी कि इससे बूट जो है वो एक्सेस कर सकते हो आप, और लॉक के साथ में अनलॉक कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर होगी। सेम की फॉब है जो आप पहले भी Creta के अंदर देखा करते थे। नीचे अगर आप देखेंगे तो ये रही प्लास्टिक की क्लैडिंग, पीछे तक जाती है, यानी कि अब जो है वो यहाँ पर ज़्यादा जंग लगने की संभावना खत्म हो जाती है, जंग वगैरह। और एक्चुअली क्या है कि ये अननेसेसरी स्क्रैचेस से भी आपको बचाएगा, तो वो स्क्रैचेस जो आपके घर में अनएक्सपीरियंस ड्राइवर हैं और आपको डर है कि आपकी गाड़ी जो है स्क्रैच ना लग जाए, तो ये उसकी प्रोटेक्शन के लिए है। काफ़ी हार्ड मटेरियल का जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। पीछे आइए, पीछे दिखाता हूँ, यहाँ पर भी व्हील कैप लगा हुआ है, एंड ये है इसकी फ्यूल लिड। लेकिन अगर हम पीछे चले, उससे पहले
मैं इसके इंटीरियर चेकआउट करवा देता हूँ ताकि आपको पता रहे क्या क्या फीचर्स इसके बेस वेरिएंट में यहाँ पे आ रहे हैं। सो यू गेट द सेम स्टीयरिंग व्हील बट यहाँ पर जो है केवल राइट साइड में कंट्रोल्स हैं, दैट टू एमआईडी के कंट्रोल्स हैं, तो लेफ्ट साइड में इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल्स नहीं है। इसकी में भी बदलाव आया, सेटिन फिनिश आई है, नीचे से डी यानी कि कट किया गया है, इसको फ्लैट बॉटम रखा गया है एंड एक सेटिन फिनिश के साथ में एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर भी एड ऑन किया गया है। हालांकि आपके पास में अभी भी थंब कंट्रोल्स वगैरह जो है वो यहाँ पर प्रॉपर और एविडेंट है। कुछ चीज़ें और है जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको वही वाला दिया गया जो i20 या फिर वरना के छोटे वेरिएंट्स में आते हैं, तो डिजिटल आपको बेस वेरिएंट से ही मिलेगा, ये अच्छी बात है। वो एनालॉग जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट कर दिया इस बार Hyundai ने और यहाँ पर टू डिन सिस्टम की जो है वो प्लेसिंग दी गई है। आप चाहें तो इस पूरे पैनल को हटा के एक इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा सकते हैं जो बड़ा हो और इसके सेक्शन में जो है वो लेआउट में जो है वो आ सके, वो तो वो बेहतरीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको जो है वो बेस वेरिएंट से मिलता हुआ नजर आएगा। तो टू डिन सिस्टम की जगह है लेकिन आप यहाँ पर प्रॉपर मल्टी फंक्शन सिस्टम लगा सकते हो। ये देखिए वो गोल्डन टच जो आपको इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में देखने को नजर आता है। यहाँ पर स्पेसिंग दी गई है ताकि आप अपना ट्विटर सेट जो है वो इधर लगा सके। IRVM आपको डे नाइट के साथ में मिलता है। ये वाला सेक्शन कम्प्लीटली रफ रखा गया क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल्स आते हैं, लाइट्स के सनग्लास होल्डर आता है, साथ ही पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पर दी गई है, उसके कंट्रोल्स यहाँ पर ऑफर होते हैं, सनवाइजर इधर कार्ड होल्डर के साथ में एंड इस तरफ जो है वो यहाँ पर बड़ा सा वैनिटी मिरर इसके बेस वेरिएंट से ही ऑफर कर दिया गया है दोस्तों। तो इज़न्ट दिस अमेजिंग, वाला बेस वेरिएंट से आपको कुछ ऐसा मिल रहा है एंड इसकी क्वालिटी भी मुझे जो है काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पे स्पेस आपको जो है दी गई है और ये ग्रिप है प्रॉपर, इसके अंदर डॉट्स लगाएंगे ताकि ये जो है वो फ़ोन वगैरह आप अपना रखें, सामान रखें, तो वो जो है वो यहाँ से डिस्प्लेस ना हो। ये अगेन पतली सी स्लीक लाइन जो है वो जाती है इसके एसी के वेंट की तरफ, इधर भी नए एसी के वेंट्स आए, इस तरफ भी नए एसी के वेंट्स आए एंड ये जो मैग्नेटिक टच है जो हमने इसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में कवर किया था वो यहाँ पर भी बरकरार है दोस्तों। तो वो यहाँ पर है कुछ इस तरीके का इसका जो है वो हॉर्न है जो कि इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में भी आता है। क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो आपको नॉर्मल मिलेगा, बहुत छोटे छोटे टॉगल्स दिए गए हैं एंड ये थोड़ा एम्प्टी ही फील करता है क्योंकि डुअल टोन क्लाइमेट कंट्रोल इसके अंदर नहीं आता है जो आप इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में देखते हैं। यहाँ पर 12 वोल्ट का DC सप्लाई है, USB-C टाइप स्लॉट है, कोई USB-A टाइप स्लॉट नहीं दिया गया है। जो गियर नॉब के नीचे कवर है वो लेदरेट है। यहाँ पर दो कैन होल्डर्स दोस्तों दिए गए हैं एंड ये आता है एक पार्किंग लिवर के साथ में जो कि नॉर्मल पार्किंग लिवर है और पुल मैकेनिज्म के साथ में आता है। आप चाहो तो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट खरीदोगे तो ये इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ में आता है। ये आपको जो है वो आर्मरेस्ट दिया गया है इसके बेस वेरिएंट से। तो इज़न्ट दिस अमेजिंग, ये आती है इसकी फैब्रिक एंड जो इसकी नई सीट्स हैं उनका पैटर्न रिमेन सेम, जैसे कि मैं यहाँ पर भी देख पा रहा हूँ फैब्रिक जो है वो उसी तरीके से स्टिच करके लगाई गई है जैसे लेदरेट टच में जो है वो इसकी लगाई गई है। एंड द बेस्ट पार्ट इज बेस वेरिएंट से यू गेट ABS विद EBD ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड। कोई भी वेरिएंट खरीदे तो ये सारी फीचर्स जो हैं वो आपको एज स्टैंडर्ड देखने को नजर आएंगी। ये भी जो है वो 6-way एडजस्टेबल सीट्स हैं लेकिन मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ में आ रहा है। मेरे पास में एक डैड पैडल भी ऑफर हो रहा है जो मेरी ड्राइव को जो है वो प्लेजेंट बना देगा जब मैं लंबे सफर पे चलूंगा। क्रूज कंट्रोल तो ऑब्वियसली इस वाले वेरिएंट में नहीं आता है पर मुझे चाहिए कि मेरा लेफ्ट वाला पैर जो है वो रेस्ट कर जाए क्योंकि क्लच जो है वो रेगुलर तौर पर जो है वो आपको हाईवेज में नहीं लगाना होता, तब जरूरी हेल्पफुल होता है। फीचर्स के बारे में बात करेंगे इस वेरिएंट में कौन कौन से आते हैं लेकिन उससे पहले चलते हैं सेकंड रो में। चलिए मेरे साथ सेकंड रो। सो दोस्तों यहाँ पर इजी इंग्रेस है, मतलब मुझे अंदर आने में बाहर जाने में कोई समस्या महसूस नहीं होती। तो अगर आपकी ज़िंदगी में आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स भी जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं और उनके ऊपर आपका बाइंग डिसीजन जो है वो यहाँ पर मैटर करता है तो ये मेरे ख्याल में एक परफेक्ट सॉल्यूशन है या परफेक्ट गाड़ी है उन लोगों के लिए जो कम्यूट कराना चाहते हैं अपने पेरेंट्स को भी। यहाँ पे नी रूम इज सफिशेंट इनफ, सो इज़ द लेग रूम, कोई समस्या नहीं है। मेरी हाइट 5'10" है, उस लिहाज से यू गेट इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हेड रूम एयर, कोई भी समस्या मुझे नहीं नजर आ रही। ग्रैब हैंडल है बट कोई हुक कोट हुक नहीं है। यहाँ पर वैनिटी लाइट्स हैं बट ये शेयरेबल है, आपके फ्रंट रो के साथ में शेयर होनी चाहिए। थोड़ी इसकी प्लेसिंग ज़रूर मुझे पीछे लगी एंड सेकंड रो को लेके डेडिकेटेड ज़रूर मुझे ये लग रही है। फर्स्ट रो में कोई भी वैनिटी लाइट्स का प्रावधान नहीं रखा गया है विच इज़ कॉस्ट कटिंग ऑब्वियसली। यहाँ पर जो है वो शोल्डर रूम काफ़ी सफिशियंट है, मैं चाहूँ तो इन सीट्स को पोजिशन जो है वो रीपोजिशन कर सकता हूँ, तो फिलहाल मेरी पोजिशन ये हो गई। तो रिक्लाइन एंगल 2-step में एडजस्टेबल है, ना केवल ये वाली सीट बट ये वाली सीट भी। दैट मीन्स ये आती है 60-40 के रेशियो में स्प्लिट होने वाली सीट्स और हेडरेस्ट हैं इसके अंदर बेस वेरिएंट से ही जो कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट है एंड यू गेट आर्म रेस्ट इसके छोटे वाले वेरिएंट से ही। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा दूँ। सो देयर यू गो, यहाँ पर दो कैन होल्डर्स हैं जो आप
यूज कर सकते हो। सो आर्म रेस्ट आपको बेस वेरिएंट से मिल रहा है, इजंट दिस अमेजिंग दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखें तो अंडर थाई सपोर्ट भी सफिशिएंट इनफ है, दो चार्जिंग स्लॉट्स यूएसबी सी टाइप, थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस, और यहाँ पर जो है वो एसी के वेंट्स दिए गए हैं ताकि आप हमेशा ठंडे रहें, गर्मी के मौसम में भी आपका दिमाग ख़राब ना हो, इसलिए ये एसी के वेंट्स दिए गए हैं। और स्पेस ज़्यादा दी गई है ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो है वो पिकनिक में जा सके, या अगर वो एक दूसरे में मुक्काबाजी भी जो है वो सेकंड रूम में चल गई तो कम से कम इतनी ज़्यादा स्पेस रहे कि एक बढ़िया सा पंच जो है वो दूसरे फ्रेंड को लग सके यहाँ पे। तो दिस इज़ फन पार्ट, अनदर वे टू से थिंग्स। और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ की कमी है, वो है यहाँ पर कोई भी स्लीव जो है वो नहीं आती है, बट इस तरफ जो है वो एक्स्ट्रा स्लीव दी गई है। बॉटल होल्डर इधर, ग्रैब हैंडल इधर, वो तमाम चीज़ें आपको यहीं देखने को नजर आएगी। इट्स हाई टाइम कि हम चलें इसकी रियर रो में, नॉट रियर रो, रियर साइड में, रियर व्यू जो है वो देखते हैं, एक बार चेक करते हैं रियर रो में कितना है, क्या स्पेस है। चले दोस्तों रियर प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो कनेक्टिंग लैंप्स है ये आपको बेस वेरिएंट से मिल रहे हैं, एंड हाउ डज दैट लिट, चलिए चेक करते हैं। पीछे की जो है वो लाइट्स मैं आपको जला के दिखाता हूँ, ये ऐसे जलती हैं, कंटिन्यूटी के साथ में आगे तक जाती हैं। यू ऑल्सो गेट ब्रेक लैम्प, यहाँ पर जो है वो टर्न इंडिकेटर दी गई हैं। एक मजे की बात ये है, यहाँ पर आती है इसकी रियर लैम्प, और चाहे आप कोई भी वेरिएंट खरीदो, बी इट एसएक्स ऑप्शनल, एसएक्स टेक, सभी वेरिएंट्स में जो है वो आपको रिवर्स लैंप नीचे ही पोजीशन देखने को नजर आएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से है, मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको रिवर्स लैंप भी। सो कुछ इस तरीके से इसकी रिवर्स लैंप जो है वो यहाँ पर जलती है। दो पार्किंग सेंसर्स इसके बेस वेरिएंट में ऑफर किए गए हैं, डुअल टोन ट्रीटमेंट इसके बम्पर को दी गई है, क्रेटा का लोगो इधर, ये पूरा पार्ट जो है वो ब्लैकआउट किया गया है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। और फिट एंड फिनिश की बात हो या किसी भी प्रकार का यहाँ पर जो है वो गैप, पैनल गैप्स के बारे में बात करें तो वो नहीं है, तो पैनल गैप एविडेंट नहीं होने की वजह से ये बताता है कि बेहतरीन क्वालिटी जो है वो यहाँ पर इस बार आई है। अच्छी बात ये है कि हाई माउंटेड स्टॉप लैंप कुछ इस तरीके से दी गई है, और क्योंकि पहले जो है बीच में मिड माउंटेड स्टॉप लैंप्स थी, उससे सीखा ह्यूंडई ने, और फाइनली जो है उसको टॉप माउंट किया गया है। इसको बहुत ब्रॉड रखा गया है, ये मुझे अच्छी लग रही है, वरना जनरली आप इतने पोर्शन तक ही जो है वो इसके हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स या स्टॉप लैंप्स को देखते हो। ये बड़ी की गई है तो ये अच्छी भी लग रही है। आप यहाँ पर देखेंगे नॉर्मल एंटीना ही मिलेगा, सेंटर एंटीना है, और शार्क फिन इसके ऊपर से ऊपर वाले वेरिएंट से जो है वो स्टार्ट हो जाता है। लेट्स जस्ट टेक अ लुक टू द बूट। यहाँ अगर आप देखेंगे 60-40 में स्प्लिट होने वाली सीट्स बेस वेरिएंट से आती हैं, विच इज़ गुड, एंड यहाँ पर दो जगह जो है वो स्पेस एक्स्ट्रा दिया गया है, इसके ऊपर पार्सल ट्रे आ जाएगा। आप चाहो तो डीलर एंड से जो है इसको कस्टमाइज करा सकते हो, आप यहाँ से जो है आप यहाँ पर जो है वो पार्सल ट्रे इस गाड़ी के अंदर लगा सकते हो, बट फिलहाल तो इसके बेस वेरिएंट में पार्सल ट्रे नहीं आती है। अगेन अगर मैं यहाँ पर स्टील व्हील्स के बारे में बात करूँ तो ये नॉर्मल व्हील्स ही हैं, और ये जो सेक्शन है 2265 रेडियल 16 इंच के स्टील व्हील्स हैं। यहाँ अगर आप देखें तो ये बिल्कुल फ्लैट बॉटम है, कोई भी लोडिंग लिप जो है वो इसके अंदर नहीं दी गई है। हल्की सी लोडिंग लिप का फायदा ये हो जाता है कि आपको ज़्यादा सामान ऊपर उठाना भी नहीं पड़ता, और वो जो है बजता नहीं है गाड़ी के अंदर, इधर से उधर मूव नहीं करता है, तो वो थोड़ा सा ज़रूर इश्यू रहेगा। अब हल्का फुल्का जो है मूवमेंट ज़रूर रहेगा, स्मूथ है एकदम, तो वो प्रीमियम टच जो है वो ज़रूर ये यहाँ पर दे पा रही है। यहाँ से अगर आप ये मैकेनिज्म देखो तो ये टू वे एडजस्टेबल मैकेनिज्म है, जो मैं आपको अंदर एक्सप्लेन कर रहा था दोस्तों। यहाँ से करते हैं इसको बंद, एंड चेक करते हैं कौन कौन से इंजन ऑप्शन सर क्या प्राइसेस में ये गाड़ी आती है। चलिए दोस्तों इंजन बे को ज़रा एक्सेस कर लेते हैं। वैसे तो ये डीजल इंजन ऑप्शन के साथ में आती है इस वाले वेरिएंट में, और ये जो इंजन ऑप्शन है वो एक्चुअली मिलता है एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन ऑप्शन, CRDI इंजन है। वैसे आप इस वेरिएंट को 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ में भी खरीद सकते हो। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के लिए एक इंजन ऑप्शन और अवेलेबल है, दैट इज अ 1.5 TGDI इंजन, जो नया इंजन है, वरना में आपने देखा है सेल्टॉस के अंदर, आपने देखा है कैरेंस के अंदर, आपने देखा है, तो ये इसके अंदर वाला इंजन जो है वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, यानी कि SX ऑप्शनल SX वेरिएंट तक जो है वो लिमिट किया गया है। यहाँ पर बेस वेरिएंट में इकोनॉमिक इंजन ऑप्शंस, यानी कि 1.5 डीजल एंड 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल दिया गया है। ये प्रोड्यूस करता है 115 PS की पावर, एंड सो इज द पेट्रोल काउंटर पार्ट। अगर आप 1.5 लेते हो तो वो भी आपको 115 PS की पावर प्रोड्यूस करता हुआ ही देगा। यहाँ पर टर्बो चार्जर लगा हुआ है, इंसुलेशन प्रॉपर है, इनफैक्ट इसके ऊपर जो है वो कवर दिया गया है थोड़ा सा प्रीमियम टच देने के लिए, तो ये कवर भी जो है यहाँ पर अवेलेबल है यहाँ पे। तो 11 लाख रुपए का इंट्रोडक्टरी प्राइस के साथ में आया है, और इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट अगर आप सेम इंजन ऑप्शन में खरीदते हो 17.23 लाख रुपीस के करीब जाएगा। अगर आपको डीजल इंजन खरीदना है तो 1,30,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर आपको TGDI इंजन खरीदना है तो सेम वेरिएंट में 1.3 लाख रुपीस आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेना चाहते हैं तो 1.26 लाख रुपीस आपको एक्स्ट्रा देने हैं, एंड आप क्रेटा को जो है वो घर ले जा सकते हो। 20 लाख के अंदर जो है वो सारे वेरिएंट इसके पैक कर दिए गए हैं एक्स शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से।
हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अनिल नेक्स्ट टाइम बाइक व्हाटएवर यू आर हैविंग ड्राइव सेफ गाइस।